अक्सर जब हम आपस में एक दूसरे से पूछते हैं ये पुलिस वाले कैसे होते हैं, तो एक ही जवाब आता है, सारे पुलिस वाले एक ही जैसे होते हैं। सही तो कहते हैं एक ही समान होते हैं, क्योंकि ये कभी ये नहीं देखते कि जख्मी हिंदू है या मुसलमान है। भेदभाव से परे की दुनिया में ये सांस लेते हैं, ये शर्मा को अस्पताल भी पहुंचाते हैं, ये खान को खून भी देते हैं। ये हर धर्म के अलग अलग मोतियों में इंसानियत का धागा पिरोते हैं। शायद इसीलिए सभी पुलिस वाले एक जैसे होते हैं। जब प्रकृति कहर ढाती है, हवाएं तूफान बन जाती हैं, बारिशें बाढ़ बन जाती है, जब कुदरत के आगे इंसान बेबस हो जाता है, तब एक पुलिस वाला ही उस बेबसी में उम्मीद जगाता है। इंसान कुदरत से कभी जीतेगा नहीं, लेकिन जब तक एक पुलिस वाला है उनका शहर कभी भी डूबेगा नहीं। ये सभी हमारे लिए अपनी जिंदगी से करते समझौते हैं, शायद इसीलिए सभी पुलिस वाले एक जैसे होते हैं। जब आतंक का साया गहरा हुआ था, सहमा देश का चेहरा हुआ, तब वो पुलिस वाले ही थे जिन्होंने सीना ठोककर आतंकवादियों से कहा था, तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी इस देश की धड़कन थमेगी नहीं, हम अपने सीने पे इतनी गोली खाएंगे कि दूसरों को मारने के लिए एक भी गोली बचेगी नहीं, पूरा देश जी सके सुकून से, इसलिए इन्होंने खाकी वर्दी को लाल कर दिया अपने खून से। ये सभी खौफ के बिस्तर पे तिरंगा ओढ़कर सोते हैं, शायद इसीलिए सभी पुलिस वाले एक जैसे होते हैं। Oh my God! Wow! Dude! तो कर अपनी जरूरतों की बंदिशें, ये दर्द अपने पीते हैं, ये दूसरों के लिए मरते हैं, ये दूसरों के लिए जीते हैं, ये सभी हमारे लिए अपना क्या क्या नहीं खोते हैं। अच्छा है ना, सारे पुलिस वाले एक ही जैसे होते हैं।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो नितेश, बहुत ही इमोशनल परफॉर्मेंस था आपका. इमोशनल इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप किस चीज़ों से गुजरे हैं, खास करके आपकी मम्मी. एंड एक पुलिस वाले की ज़िंदगी मैंने बहुत करीबी तरीके से देखी, क्योंकि मैं इन अ वे उनके साथ, उनके लिए काम करता हूँ एज अ सिविलियन. जिसका परिवार पुलिस से ना होके भी वो किस दौर से गुजरते हैं, उनका परिवार किस दौर से गुजरता है, ये मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ. और जो कुछ भी आपने दिखाया, जो मुंबई में रहा है, पला बड़ा है, वो ही ये समझ सकता है, चाहे वो हमारा 26/11 का अटैक हो, चाहे वो 26 जुलाई हो. देश की वैल्यू समझ में आना बहुत ज़रूरी है. डेफिनेटली. कि आपको जो फ्रीडम मिला हुआ है उसकी आप इज्जत करें, तो ये सारी कहानियां कहना बहुत जरूरी है. Definitely. न्यू जनरेशन के लिए, कि जो इस चीज को लाइटली ले रहे हैं वो लाइटली ना लें, कि हमारे बुजुर्गों ने क्या काम किया. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.